हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। माई सेल्फ निहाल। सो आज अपना करंट अफेयर सेशन है, मतलब 28 करंट अफेयर सेशन है, जिसमें कि हम इन्वायरमेंट ये टॉपिक पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के लेक्चर से लेके जाने वाले। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए बता दूं कि हर रोज दोपहर को 2 बजे अपना करंट अफेयर सेशन रहता है। आप ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे ये सेशन हर रोज देख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग मॉक टेस्ट सीरीज फॉर योर पेपर वन प्रिपरेशन, जिसमें कि आपको 60 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट भी रहने वाले हैं। 2011 से लेके 2020 तक इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट रहेंगे, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। मतलब हर एक टेस्ट जब आप सबमिट करोगे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस मॉक टेस्ट के अलावा आपको फुल सिलेबस नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स है। बहुत ही कम टाइम में, 2 या 3 दिन में आप पूरे नोट्स पढ़कर अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आपको फ्री टाइम मिलेगा तब आप ये वीडियोस देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ 999 रुपीज में। सो जल्दी से जाइए, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ये मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करिए। प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आप सर्च बॉक्स में ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च करिए, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इंस्टॉल करिए, उसके बाद आपको इस तरह से एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। राइट साइड में आप देख सकते हो। उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, दैट इज यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर, और उसके बाद आप 2 फ्री टेस्ट, उसके साथ 2 वीडियोस फ्री और 2 फ्री नोट्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से जाइए और ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करिए। थीम ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, 2021 का जो WDR था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसका थीम क्या था? A. Choose to challenge, B. Ecosystem restoration, C. Data for better lives, और D. Build a fairer, healthier world, ठीक है? So, 2021 का जो World Development Report था, उसका जो theme था, वो था Data for better lives, ठीक है? बेहतर जीवन के लिए डेटा, ये उसका theme। 2021 का जो GDR है, Global Development Report, वो एक theme के साथ publish किया गया था, जो theme हमने देखी अभी question में, डेटा फॉर बेटर लिव, है ना। यूजिंग मोर वैल्यू ऑफ डेटा टू हेल्प द पुअर, मतलब ज्यादा से ज्यादा इस डेटा का यूज करना टू हेल्प द पुअर। और ये जो GDR था, ये फर्स्ट GDR था जिसमें कि एंटायरली फोकस किया गया था रोल ऑफ डेटा फॉर डेवलपमेंट, ओके। कोविड एपिडेमिक में जो भी डेटा इनइक्वेलिटी थी, एक्सासर्बेट हो गई थी, ये रिपोर्ट से ये दर्शाया गया था कि हाउ वी कैन यूज दिस डेटा टू हेल्प पुअर, टू गिव देम, टू इंश्योर देम इक्वल एक्सेस, ओके। मतलब पुअर पीपल को ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिले या फिर इक्वली एक्सेस मिले हर एक सेक्टर में, हर एक फैक्टर में, ये फोकस था इस साल के GDR का, ठीक है। सो थीम क्या था? डेटा फॉर बेटर लिव, और GDR 2021 ये रिपोर्ट था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री हु हैज इनवाइटेड रिसर्च प्रपोजल्स फोकसिंग ऑन फीमेल पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन होता है उस पर रिसर्च करने के लिए एक मिनिस्ट्री ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को इन्वाइट किया है। तो वो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। So the Ministry of Women and Child Development is the ministry who has invited research proposals focusing on female participation in economic activities. Recently, Union Ministry of Women and Child Development ne kuch institutions ko invite kiya hai to conduct a research which will be focusing on improving women's participation in India's economic activities. ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें वुमेन्स पार्टिसिपेशन किस तरह से इम्प्रूव कर रहा है, इस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए मिनिस्ट्री ने कुछ इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, यूनिवर्सिटीज को इनवाइट किया है,
ठीक है। द मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड ग्रांट्स, इसने मिनिस्ट्री ने ग्रांट्स भी दिया है एनजीओ को, यूनिवर्सिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को, जो रिसर्च कंडक्ट करेगी, पब्लिश करेगी और उसका मेंटेनेंस रखेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द महेंद्रगिरी हिल इकोसिस्टम इज लोकेटेड। महेंद्रगिरी हिल इकोसिस्टम जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। सो द स्टेट इज उड़ीसा, उड़ीसा इज द स्टेट वेयर महेंद्रगिरी हिल सिस्टम इकोसिस्टम इज लोकेटेड। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने प्रपोज किया है सेकेंड बायोस्फेयर रिजर्व एट महेंद्रगिरी हिल इकोसिस्टम। ये जो महेंद्रगिरी हिल इकोसिस्टम है, इट इज अ रिच बायोडायवर्सिटी लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा स्टेट। ठीक है, दिस रिजर्व विल कवर पार्ट ऑफ गजापति एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न घाट्स। सिमिलीपाल बायोस्फेयर रिजर्व इज ओडिशाज फर्स्ट बायोस्फेयर रिजर्व, नोटिफाइड इन 1996, है ना। 1996 में सबसे पहला बायोस्फेयर था सिमिलीपाल बायोस्फेयर रिजर्व इन ओडिशा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च्ड बाय। ठीक है, संकल्प से सिद्धि एक विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव है, ये किसने लॉन्च किया है, ट्राइफ्ट, WEF, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ। सो ट्राइफ्ट इज द करेक्ट आंसर, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे ट्राइफ्ट शॉर्ट में कहा जाता है, अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड संकल्प से सिद्धि। ठीक है, विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव, द कैंपेन हैज स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 1, 2021। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव है, कब स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 2021 में, है ना, और ट्राइफ्ट का लॉन्ग फॉर्म मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था, ये याद रखना है। द 100-day कैंपेन इन्वॉल्व 150 टीम्स एंड विल कवर 1500 विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये जो कैंपेन था 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था इसी साल, इसमें ये 100-day का कैंपेन था जिसमें 150 टीम थे और 1500 विलेजेस इसमें कवर किए गए थे। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कैंपेन इज टू एक्टिवेट फॉरेस्ट वेल सेंटर्स इन दिस विलेजेस। ठीक है, इस कैंपेन का सबसे इंपॉर्टेंट एम जो था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था, फॉरेस्ट वेल्थ सेंटर जो है उसे एक्टिवेट करना। ठीक है, हर एक विलेजेस मतलब ये 1500 विलेजेस जो है 1500 इंपॉर्टेंट विलेजेस जो है जिसमें कवर किए गए थे इस कैंपेन में, इसमें फॉरेस्ट वेल्थ सेंटर्स की सेंटर जो है उसे एक्टिवेट करने का इनका एम था। ओके, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ट्राइफ ने इसे लॉन्च किया है, नाम क्या है, संकल्प से सिद्धि, कब लॉन्च किया था, अप्रैल 1, 2021 में, और ये 100-day कैंपेन था जिसका एम था एक्टिवेट फॉरेस्ट वेल्थ सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व्ड ऑन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये कौन से डे पे ऑब्जर्व किया जाता है, अप्रैल 11, अप्रैल 9, अप्रैल 6 या फिर अप्रैल 20। सो अप्रैल 6 इज द करेक्ट आंसर, मतलब 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये जो है ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस वर्ल्ड ऑन 6 अप्रैल आफ्टर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 2013। ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट पीस है, ये हर बार सेलिब्रेट किया जाता है टू पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इस साल का जो थीम था इसका ये था कि अराउंड रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विटी इन दैट रिकवरी। ठीक है, हर जगह पे पैंडेमिक की वजह से जो भी लॉसेस हुए थे उसकी रिकवरी करना, है ना, और इक्विटी और रिकवरी की जो इम्पोर्टेंस है उसकी अवेयरनेस बढ़ाना, ये जो थीम था ये था इंटरनेशनल डे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस का, मतलब इस साल का ये थीम था। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज टू कंडक्ट द बर्ड फेस्टिवल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसमें अगर आपको पता होगा कि महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है तो आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बर्ड फेस्टिवल जो है एक ऐसा फेस्टिवल है जब कुछ बर्ड्स जो है वो हर साल बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेट करते हैं कुछ अलग प्लेस से इंडिया में, है ना, तो इसके अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, है ना, इस माइग्रेटेड बर्ड्स की इंपॉर्टेंस को
बढ़ाने के लिए ये बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने ये कंडक्ट किया था बर्ड फेस्टिवल, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर केरला? तो वेस्ट बंगाल में वो पाया जाता है। क्या? महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सॉरी बर्ड फेस्टिवल जो है ये किस चीज के लिए किया जाता है? जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं इंडिया में हर साल आते हैं, है ना, तो उनकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए, माइग्रेटेड बर्ड्स की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है थ्रू बर्ड फेस्टिवल। ओके, इसलिए ये बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन वेस्ट बंगाल ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बर्ड फेस्टिवल इन फेब्रुअरी 2021। मतलब ये जो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने जो ऑर्गेनाइज किया था बर्ड फेस्टिवल फेब्रुअरी 2021 में किया था, मतलब ये वेस्ट बंगाल का फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल था। ओके, सेंचुरी, दिस सेंचुरी इज डेजिग्नेटेड एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया एज इट इज रिच इन फौना विद मोर देन 300 स्पेसिज ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग रूफोस नेक हॉर्नबिल। ओके, रूफोस नेक हॉर्नबिल करके एक रेयर पंछी है जो कि यहाँ पे पाया जाता है। ओके, और ये जो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इंपॉर्टेंटली किस चीज के लिए फेमस है? ये बर्ड एरिया इसे कहा जाता है क्योंकि मोर देन 300 स्पेसिज यहाँ पे पाए जाते हैं बर्ड्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू फ्लैग एंड इको लेबल सर्टिफिकेशन टू बीचेस इज फ्रॉम विच कंट्री? ओके, ब्लू फ्लैग ये जो इको लेबल सर्टिफिकेट ये एक वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड लेबल है ना, जो कि बीचेस, मरीनास या फिर सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री से है? डेनमार्क, इंडिया, रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? सो डेनमार्क इज द कंट्री जहां पे ये ब्लू फ्लैग इको लेबल सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ब्लू फ्लैग इज द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल सर्टिफिकेट जो कि बीचेस या फिर मैंने जैसे कि बोला मरीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूरिज्म ऑपरेटर्स जो है उनको दिया जाता है। ठीक है, बाय फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट एजुकेशन, कंजर्वेशन एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज, ये सारे मेजरमेंट इसमें किए जाते हैं, ये सारी चीजें मेजर की जाती है और फिर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। रिसेंटली एक द फिशरमैन ऑफ ओडिशा हैव बीन स्टेजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ओडिशा स्टेट्स मूव टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 5 बीचेस। ठीक है, इंडिया में भी इसे किसी ने एक प्रपोजल रखा है टू गिव अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, दे डिमांड एन अल्टरनेटिव सी माउथ टू एंकर देयर बोट बिफोर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द बीचेस। ठीक है, सो इंडिया में भी इसे एक प्रपोजल हम कह सकते हैं कि ब्लू फ्लैग जो लेबल है वो दिया जाए। ठीक है, तो 5 बीचेस है ऐसे जहां पे इसका प्रपोजल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी व्हाट इज द ओरेथेरियम ज़ेन व्हिच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली? ठीक है, नेशनल पार्क, एनिमल स्पेसिस, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर बैक्टीरिया? सो इट इज द एनिमल स्पेसिस। स्कंक लाइक मैमल के फॉसिल्स डिस्कवर किए गए हैं जो कि डायनासोर के पीरियड से ऐसा डिस्कवर किया गया है इन पैथोगोनिया रीजन चिले साउथ अमेरिका। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में था ओरेथेरियम ज़ेन जो है ये इसे बीस्ट ऑफ 5 टीथ कहा जाता है जो कि डायनासोर्स के टाइम पे रहा करते थे बिटवीन 72 टू 74 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इट इज सेड टू बी हार्बिवोरस, सेड टू हैव लिव्ड इन साउथ अमेरिका एंड एट द एंड ऑफ मेसोजोइक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड 2.0 लॉन्च्ड बाय? इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड IED 2.0 जो इसे लॉन्च किसने किया है? प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी या फिर प्लानिंग कमीशन? सो मोस्ट ऑफ यू विल सेलेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी क्योंकि इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड जो है वो इसी से रिलेटेड है ना, लेकिन राइट आंसर इज नीति आयोग। इंडिया पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग हैज लॉन्च्ड वर्जन 2.0 ऑफ इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड IED। ठीक है, ये जो डैशबोर्ड है इसे लॉन्च किया गया था टू अचीव द SDGs मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंडियाज नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करेगा एक सिंगल विंडो टू एक्सेस द एनर्जी डेटा फॉर द कंट्री। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया टिल 2021? ठीक है, 2021 तक आप अब तक कितने नेशनल पार्क्स एंड कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया में, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है।
100 एंड 500, 8 एंड 421, 10 एंड 75 या फिर 103 और 544। तो इंडिया में टोटल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है टिल 2021 वो है 103 और 544, मतलब 103 एंड 544। National parks and wildlife sanctuaries are protected areas declared by government with the primary objective to preserve wildlife, save flora, fauna and restore the natural ecological balances. ठीक है, मतलब national park किस चीज के लिए होता है, ये government की तरफ से एक initiative लिया जाता है to preserve the wildlife and flora fauna. ठीक है, and restore the natural ecological balances. ठीक है, और उसी के साथ इंडिया में जो है 103 नेशनल पार्क्स है और 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है टिल 2021। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि किस स्टेट में या फिर किस एरिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो मध्य प्रदेश एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके, before ending the session, very important announcement for you. If you want to crack the examination, whether it is NET or SET, join our courses and crack the examination in very first attempt. Global Online University providing you very relevant mock test, notes and as well as video lectures. Okay, in just ₹999. If you want to join these courses, download Global Online University application or you can contact the on these numbers which is given below. Okay, hurry up and join the course and crack your examination in very first attempt.